गुड इवनिंग, नमस्ते विभा जी। हम थोड़ा होस्ट ये अपने गेस्ट के लिए इंतजार करते हैं और कुछ दर्शकों के लिए भी इंतजार करते हैं। वी जस्ट स्टार्टेड और या आई थिंक वी हैविंग साइंस वाइज जो है एक पॉपुलर साइंस का प्लेटफॉर्म है। जब तक हमारे गेस्ट आते नहीं हैं तब तक थोड़ा साइंस वाइज के बारे में इंट्रोड्यूस कर लें। साइंस वाइज इज अ पॉपुलर साइंस प्लेटफॉर्म। ऐसा होता है कि हमारे देश में जो है 130 करोड़ जनसंख्या है, जहाँ पे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम सिनेमा, क्रिकेट और पॉलिटिक्स और अलग अलग विषय डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति जो कि जिसका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो अगर विज्ञान पे डिस्कस करना चाहे तो साधारण सरल भाषा में जो है जहाँ डिस्कशन हो सके। तो इसीलिए साइंस वाइंस का गठन किया गया था। और हम लोग हर समय जो है कोशिश करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स को अलग अलग विषय पर लेके आए। तो आज का जो विषय है वो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है और इसके लिए जो है एक फाइटर सर्वाइवर और एक डॉक्टर दोनों हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। तो आई थिंक यू ऑल शुड टेक द स्क्रीन विभा जी। अब जी नेक्स्ट बिल्कुल 45 मिनट्स टू 1 आवर आप लोग कन्वीनियंटली आप डिस्कशन कीजिए और हम बैकस्टेज जाते हैं। ओके आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर आप सबके साथ मुखातिब होने आए हैं। आमतौर पर हम जिस प्लेटफॉर्म पे से हम आज यहाँ पर आए हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में आशुतोष सिंह ने आपको बताया है, दैट इज साइंस वाइंस। हम खास तौर से हिंदी वालों को एक्स्ट्रा शब्द बोलने की आदत होती है। एक आपने गाना सुना होगा बहुत पहले, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। तो ये दिल विल प्यार व्यार तो उसी तरीके से ये साइंस वाइंस है। साइंस तो है लेकिन ये वाइंस क्या बोला है। मुझे लगता है कि हम जैसे सिविलियन या हम जैसे लोग जिनका साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, या वैसे ढेर सारे लोग, लाखों लाख लोग जो साइंस को बस एक लैब तक या फिर मेडिकल के फील्ड तक या इंजीनियरिंग के फील्ड तक या फिर उससे और आगे बढ़े तो साइंस के जितने भी फील्ड हैं एस्ट्रोनॉमी तक, वहां तक उसे समझते हैं, लेकिन केवल नाम के हिसाब से समझते हैं। उसके अलावा उसकी गहराई क्या है और उससे क्या निकल करके आता है, इसके बारे में हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। हम जैसे लोग तब समझते हैं जब ये वाइंस जैसा एडिशनल शब्द उसमें जाता है, और वो एडिशनल शब्द ये है कि हम उस साइंस को सरल शब्दों में, उस साइंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं जब हमें समझाते हैं तो वो हमारी समझ में आता है, और तब हम समझते हैं कि हाँ ये विषय क्या है, इस विषय की गहराई क्या है, इसमें हम एज अ पर्सन और हम एज अ सिटीजन कैसे इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते। आज इस साइंस वाइंस के प्लेटफॉर्म से हम एक बहुत ही अहम विषय के साथ आपके साथ मुखातिब होने जा रहे हैं, एंड दैट सब्जेक्ट इज ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसा विषय या एक ऐसा, हम ये कह लें कि बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है कि जैसे ही हमने कैंसर कहा लोगों की जान सूख जाती। क्या है ये कैंसर और उसमें भी क्या है ब्रेस्ट कैंसर, और क्यों ये ब्रेस्ट कैंसर आज और खास तौर से हिंदुस्तान में इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही एबल, इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑन्को सर्जन डॉक्टर जयंती से। डॉक्टर जयंती थम्सी हमारे साथ हैं, शी इज ऑन्को सर्जन एट बैंगलोर, और लगभग 35,000 से ज्यादा इन्होंने सर्जरी इन्होंने परफॉर्म की है, और बहुत सारे इन्होंने लोगों को ठीक किया है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम ये कहें तो ये ब्रेस्ट कैंसर अगर हम इस साल भी हम देखें तो एक स्टडी है कि 2020 में ये स्टडी सामने आई है कि ब्रेस्ट कैंसर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर जयंती हमारे साथ हैं, शी विल करेक्ट मी और शी विल इन्फॉर्म मी और शी विल एडवांस्ड मी एंड नॉट ओनली मी बट अलोंग विद मी एवरीवन। सो ऑन ऑल ऑफ यू, ऑन ऑल बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू एंड ऑन माय बिहाफ आई एम वेलकमिंग डॉक्टर जयंती। कि डॉक्टर जयंती आप हमारे इस प्रोग्राम में आप आई हैं, इस साइंस वाइंस के प्लेटफॉर्म पे आई हैं और इसके माध्यम से
आप हम सभी को अपडेट करें कि ये ब्रेस्ट कैंसर आज कहाँ और किस रूप में है और हम कैसे इसका मुकाबला करें, कैसे इसको फेस करें, हाउ टू फेस एंड हाउ टू डील एंड हाउ टू गो विद दिस। डॉक्टर जैन, आई थिंक दैट डॉक्टर जयंती का नेटवर्क फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और इस तो मैं जब तक डॉक्टर जयंती आती हैं मैं आपको डॉक्टर जयंती के बारे में ही बताती हूँ ताकि आप उनके बारे में और अच्छे से जान सकें। बल्कि मैं मेरे पास जो है मैं उसे पढ़ करके सुनाना चाहूंगी क्योंकि अगर कोई बहुत ही एबल पर्सन है तो उसके बारे में ऐसे ही थोड़ा बहुत नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे सामने अभी डॉक्टर जयंती आ गई हैं, मैं इनके बारे में धीरे धीरे और बताती जाऊंगी लेकिन अभी मैं डॉक्टर जयंती से ही मुखातिब होना चाहूंगी कि डॉक्टर जयंती आप हमें बताएं कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर, हाउ वी शुड डील विद इट, हाउ विद दिस, हाउ वी शुड गो अबाउट दिस एंड हाउ वी शुड टेक इट एज डॉक्टर जयंती। Right. Thank you much for inviting me today, and it's really a pleasure to be a part of this forum. Aur aap sabko bahut dhanyawad, aur first of all congratulations organizers ke liye, kyunki ye bahut hi bada mahatvapurna vishay hai jo aapne choose kiya hai audience ke liye, aur ye har aurat ko janna zaruri hai aur har mard ko bhi janna zaruri hai क्योंकि हर के में वो इस जानकारी गलत होगी। बताया जैसे विभाजी ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इंसिडेंट गई है लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा यंग विमेन को ये अफेक्ट कर जाता है। अबाउट 48% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में दिखाई देता है वो ऐसी फैमिली को होती है और हमारे समाज को उनकी बहुत जरूरत होती है उस टाइम पे ये अफेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। इसके लिए हर औरत को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कैंसर जो है ये तो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। जब वो कैंसर कैंसर यानी क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स है बॉडी में, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेल यानी इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी एंड ईच सेल हैज अ सेल साइकिल, यानी ये जो सेल होता है वो पैदा होता है बोन मैरो में। तो वो आफ्टर इट इज बॉर्न इट बिकम्स बिगर इन साइज, इट बिकम्स मैच्योर, इट रिप्रोड्यूसेस, इट फुलफिल्स इट्स फंक्शन एंड देन इट डाइज सो दैट इट इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स। बट कभी कभार क्या होता है, ये लाइफ साइकिल जो है, सेल का जो साइकिल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिस वजह से सेल जो रिप्रोडक्शन होता है सेल का, एक सेल से दो सेल बनना या दो से चार, चार से 16 या 64, जो भी है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं एंड द सेल डज नॉट डाई, दैट इज व्हेन कैंसर हैपेंस। यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स कॉज कैंसर वेर देर इज नो कंट्रोल, अवर बॉडी हैज नो कंट्रोल टू स्टॉप द ग्रोथ, no control to stop the reproduction. When a cell forms like that, it becomes cancerous. And if this cell is there in the breast, it causes breast cancer. Now, why does this change happen? Now, because there can be many, many reasons. And ये जो है, ये आजकल की हमारी जो lifestyle है, उस वो भी बहुत, you know, that is a big contributing factor. उससे भी वो होता है कैंसर बढ़ने के लिए। सो दैट इज व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर जयंती, कैन यू इलैबोरेट लिटिल बिट कि व्हाट डज इट मीन लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल मींस, लाइफस्टाइल एक बड़ा ही कॉमन वर्ड हो जाता है
लाइफस्टाइल, बट थोड़ा अगर उसे ब्रेस्ट कैंसर के मद्देनजर थोड़ा उसे एक्सप्लेन करें, इलेबोरेट करें कि ब्रेस्ट कैंसर के मद्देनजर कि लाइफस्टाइल मतलब क्या, और खास करके जो यंग वुमेन और हमारी जो यंग जनरेशन को ये हो रहा है, तो क्या लाइफस्टाइल वो अक्वायर कर रही हैं और जिसके कारण ये कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। राइट, तो थोड़ा सा ब्रेस्ट जो है करें, यस, सो ब्रेस्ट जो है वो एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन है लेडीज में, और ब्रेस्ट पिलाना, दैट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। नाउ अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता है, ऐसी महिलाओं को इसका है, तो उन जिनकी शादी नहीं होती है या जिनकी शादी होती है लेकिन उनके बच्चे नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से महिलाओं को एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। सो मैं तो एडवाइस करूंगी हर औरत को कि आप जरूर आपके बच्चों को छाती का दूध पिलाइए, छाती का दूध से ज्यादा दिन पिलाइए, कम से कम एक साल अपने छाती का दूध बच्चों को जरूर पिलाइए। ये ब्रेस्ट फीडिंग करने से मदर को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। कल तो औरतों को जैसे हमारे ग्रैंड मदर या उनकी मम्मी रहती थी, उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता था, लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है। जो मोटापा है, बढ़ जाती है, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग आजकल हम अर्बन औरतों में कॉमनली देखते हैं, वो भी एक बढ़ सकता है, और इनडिस्क्रीट यूज ऑफ हार्मोन टैबलेट्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली जो है बहुत सालों तक फोन करने के लिए जो गोलियां खाते हैं, खाने से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। तो और स्ट्रेस है जो हम लोग खाते हैं, वी ईट लॉट ऑफ जंक फूड, फास्ट फूड, रेडी टू ईट फूड जो खाते हैं, वो सारे वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। And that is what I mean by saying it's a lifestyle-related disease. Thank you, doctor. What I was thinking, जब आप पूरा सब बता रहे थे, and you might be knowing that I am also a cancer survivor, and I have changed three words, and I am using three words differently. I am using survivor को as a cancer achiever, and cancer patient को as a cancer fighter, and cancer death cases को I address them as cancer warrior. So there are two, three things, many things which you have elaborated, and those has been elaborated in the perspective of urban women. Urban women ke saath hum keh sakte hain ki waisi jo bahut hectic schedule mein kaam karne wali jo young women hain ya jo mahilaye hain, unko unka food style ya unka lifestyle या उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो ऑड हैं, उसकी वजह से खाना पीना उनका ऑड हो जाता है, बहुत ज्यादा उस पर वो ध्यान नहीं दे जा पाती हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी मोटापा भी बढ़ता है, उसकी वजह से टेंशन भी बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर मैं इसमें अपने आपने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे, अब इसको अगर मैं एज ए केस स्टडी में अगर इसको अपने ऊपर ही लूं, आई एम नॉट विथ ओबेसिटी, I have two daughters and I have given them breastfeeding. I am married. I am not dependent on junk food. And like me, there are lots of women. During my sickness,
I have met lots of women, and most of the women of my age, and they were just away of junk food and these, that, all these things. But they all are caught with the cancer, or especially breast cancer. तो मुझे उसमें लगता है कि वन साइड एक तो ये है कि चलो ठीक है कि वैसे वुमेन या यंग वुमेन जिनके जिनका जिनका वर्किंग स्टाइल कुछ वर्किंग आवर्स उनके ऑड हैं और जिसकी वजह से उन्हें लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और देन कैंसर भी उसमें से एक पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं. बट अदर वुमेन हु आर रूरल वुमेन हु हैव नॉट सीन इवन कि व्हाट इज द फास्ट फूड एंड व्हाट इज द जंक फूड और मोटापा उनका कोई इसके बढ़ती उम्र के साथ मोटापा आ जाता होगा या कुछ अलग चीजें हैं या कोई बहुत ज्यादा उनका वो नहीं होता है कि हाँ मोटापा उनके लिए वो ओबेसिटी की तरह बन करके आए एक एक एक, एक बीमारी बन करके आए. वहां उन लोगों को भी जो कैंसर होते हैं डॉक्टर जयंती फिर से नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हमसे डिस्कनेक्ट अभी फिलहाल हो चुकी हैं और हम मुझे लगता है कि फिर से वो जल्द ही उनका नेटवर्क ठीक होगा और वो आएंगी. तो मुझे लगता है कि यह भी एक सवाल है और उस सवाल में वहां पे थोड़ा सा मुझे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी महिलाओं को जिनका ओबेसिटी से जिनका इस अर्बन ऑड वर्किंग आर से और जंक फूड से और इन सब से कोई नाता रिश्ता नहीं है उनके साथ जब कैंसर होता है तो व्हाट वुड बी द मेन रीजन और क्या थोड़ा सा अगर आप इसे इलैबोरेट करें तो. ओबेसिटी, आप ओबेसिटी के बारे में बोल रहे हैं ना? नहीं, ओबेसिटी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने आपने एक सेक्टर के बारे में बताया कि रीजंस की व्हाट आर व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल का जो आपने बताया कि दैट इज फॉर अर्बन वुमेन और स्पेशली दोज वर्किंग वुमेन हु आर वर्किंग इन वेरी स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर एनवायरमेंट एवरीथिंग. So their food, their sleep, and everything is just there is no place and no space for those luxury items. I can say that these are luxury items for them. Because उनको खाना भी ठीक से नहीं मिलता और मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है. But a major sector, major chunk of those kind of women who are in rural area or who are even in urban area, but they are far far away from this kind of lifestyle or this kind of tensed lifestyle or working hours or they are away from junk food. They don't like even ki are Chinese nahi khana, burger nahi khana, ye sab nahi khana chahiye, mujhe ye sab nahi acha lagta. But they are caught with the cancer. So what would be the reason for them? Breast cancer, I'm not saying that it does not happen in all the women who are not obese or who have no lifestyle related problems. I'm not saying that it never happens in them. In fact, it is more of a urban disease as compared to the rural disease. अभी इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स है उससे ये वो ऐसा है कि अर्बन इंडिया में आउट ऑफ 28 विमेन वन वुमन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर सम टाइम इन हर लाइफ. और अगर हम यही रूरल इंडिया में रूरल इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 80 महिलाओं में एक महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है. तो ये सारे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए. ब्रेस्ट फीडिंग एक है, ओबेसिटी है, अगर फर्स्ट चाइल्ड हैपेंस लेट और बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. About 5-10% of breast cancer is hereditary, meaning वो एक generation से दूसरे generation को pass on हो सकता है. तो वो भी एक contributing factor है जिसकी वजह से breast cancer की risk बढ़ जाती है. Thank you Dr. Jayanti. और डॉक्टर जयंती के बारे में मैं आपको और ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जयंती ने जैसे अभी हमने आपको बताया था कि मोर देन 3500 केसेस उन्होंने ऑंको सर्जरी की उन्होंने परफॉर्म किए हैं और सक्सेसफुली परफॉर्म किए हैं. लॉट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स में उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं और उनकी एक वो बहुत क्रेस्ट CRESTI क्रेस्ट नाम के NGO से जुड़ी हुई है और उनकी एक शायद किताब भी है लम्प टू लाफ्टर.
ये तो मेरे मन में मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेरा सब्जेक्ट है लंप टू लाफ्टर, तो इस लंप टू लाफ्टर को थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करें और हमें ये बताएं कि कुछ बीमारियां जो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे अगर किडनी की बीमारी है या कुछ न्यूरो की बीमारी होती है या फिर ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, ये सारी बहुत बीमारी बड़ी बीमारी है, मेजर इलनेस है। इनमें दोनों ही चीजें कि हेल्थ के हिसाब से भी, क्योंकि दीज ऑल आर वाइटल ऑर्गन्स, इसलिए उनमें भी बीमारी लगी तो वो मेजर सिकनेस तो होती है, और चूंकि ये मेजर सिकनेस है वाइटल ऑर्गन को डील करना है तो पैसे के हिसाब से भी ये बड़ी बीमारी होती है। उसके साथ साथ कैंसर भी उतनी ही बड़ी बीमारी कंसिडर की जाती है। लेकिन मैं अक्सर ये देखती हूँ कि जब इन बीमारियों की बात होती है तो लोगों का कलेजा धक से नहीं होता, लेकिन जैसे ही कैंसर नाम आता है तो लोगों का कलेजा धक से होता है। तो ये क्यों ऐसा ऐसी सिचुएशन क्यों आई है, और ऐसे में आपका लंप टू लाफ्टर क्या कॉन्सेप्ट है, और मैं इस पे जानना चाहूँ। राइट सो आप तो सही बोले हैं, जो कैंसर जो वर्ड है उससे बहुत बहुत ही ज्यादा फियर एसोसिएटेड है, और उससे बहुत ज्यादा मिथ जो बोलते हैं वो भी एसोसिएटेड है। ऐसा समझ है लोगों में कि कैंसर होने से इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस, यानी हमारी यस लाइफ यहीं पे खत्म हो हाँ रही है यस और कुछ यस इसका हो नहीं सकता है। कैन यू एम आई ऑडिबल? या सो यस यस कैंसर जो है, सो कैंसर में बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है, फियर एसोसिएटेड है। ऐसा मानना है लोगों को कि कैंसर होने से अभी तो इनकी कोई फ्यूचर है ही नहीं, एंड ऑफ लाइफ है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इतना ज्यादा रिसर्च हुआ है कैंसर में, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में ऐसे सर्जरीज अभी अवेलेबल है, ऐसे ड्रग्स अभी अवेलेबल है, रेडिएशन टेक्निक्स जो है ट्रीटमेंट के लिए इतनी टेक्निक्स अवेलेबल है। अभी बहुत सारे या ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से बहुत अच्छे से ट्रीट होके नॉर्मल लाइफ लीड करने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसी के लिए हमने हमारे बुक का नाम लंप टू लाफ्टर लिखा है, क्योंकि आवर इंटेंशन इज दैट एवरी वुमन हु कम्स टू अस विद अ लंप इन द ब्रेस्ट हैज अ हैप्पी एंडिंग, यू नो शी गोज होम हैप्पी एंड इट इज अ एंड ऑफ हर डिजीज एंड देर इज लाफ्टर एंड स्माइल एंड हैप्पीनेस इन हर लाइफ, यू नो दैट इज अवर इंटेंशन एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ द बुक इज लंप टू लाफ्टर। वी डू लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसका भी नाम हमने लंप टू लाफ्टर लिखा है, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत यूनिक बुक है। इसमें सारे जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं एक स्टोरी की तरह से है ये बुक, जिसमें एक महिला की ब्रेस्ट कैंसर जर्नी जो है, उसकी इमोशनल जर्नी जो है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स है ये सारे हमारे पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स है, सिर्फ उनका नाम चेंज किया गया है। सारे सिनेरियोज जो है ब्रेस्ट कैंसर में एक महिला है जो फेस करती है, वो सारा उसमें डिस्क्रिप्शन है, और उसमें बहुत सारा मेडिकल नॉलेज भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों को मेडिकल नॉलेज पढ़ना या पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, बहुत उनको इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन वो जो अगर स्टोरी के फॉर्म में हो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। इसके लिए ये बुक बुक हमने पब्लिश किया है 2015 में, और ये अमेजोन में अवेलेबल है, और आप इसको जरूर पढ़िए। इसको मैं प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी ऑथर हूँ, उसके लिए नहीं। इससे जो भी पैसा जनरेट होगा वो किसी महिला के अंडर प्रिविलेज्ड औरत को ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसके उसका हेल्प होगा। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और बिल्कुल जिसको मैंने कहा ना कि लंप टू लाफ्टर इज माई काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बिकॉज आई ऑल्सो वर्क फॉर दैट लॉस ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, आई ऑल्सो कंडक्ट एंड आई हैव माई फेसबुक पेज विच आई हैव नेम्ड सेलिब्रेटिंग कैंसर, एंड पीपल लॉट्स ऑफ पीपल हैव मेड ऑब्जेक्शन कि कैंसर भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमने कहा कि यस कैंसर सेलिब्रेट, क्योंकि कैंसर से जब आप निकलते हैं आपको एक रीबर्थ मिलता है, नया जीवन मिलता है, देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ एंड नॉट ओनली योर वैल्यू ऑफ योर लाइफ
but others' life also, and then you go into deep and deep, and then you do, then you start doing something for the society and for the people. And आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम theoretical चीजें पढ़ने में हमारा किसी भी, ये तो साइंस है, अब ये तो मेडिकल टर्म है, ऐसे भी किसी को आप कोई किसी खड़ा कर दीजिए भाषण देने के लिए तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन उसी भाषण को आप एक फिक्शनल फॉर्म दे देंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आता है. तो आपने ये उसको एक फिक्शनल फॉर्म दिया है, दैट्स लवली, दैट्स ग्रेट थिंग. किसी के सवाल आए थे, और अगर मैं, अमित मुझे वो सवाल फिर से, हाँ ये सवाल है लीना घोष का, और वो ये पूछ रही है कि डज द हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन लेवल्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर्स. यस, बहुत अच्छा सवाल है लीना जी. यस, ब्रेस्ट इज अ ऑर्गन विच इज अ हॉर्मोन डिपेंडेंट ऑर्गन. जो भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स होते हैं या नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेस्ट के लिए भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो महिलाओं में हॉर्मोन्स रहते हैं, उसका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो ब्रेस्ट कैंसर जो है कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार है जो हॉर्मोन रिलेटेड होता है, जिसमें हॉर्मोन जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में या उसके ग्रोथ में. और ऐसे महिलाओं को अलग सा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको हम हार्मोन थेरेपी कहते हैं, जो जिनका ब्रेस्ट ट्यूमर जो रहता है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव हो, तो ऐसी महिलाओं को हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है. सो हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेस्ट as such in normal functioning of breast and also in breast cancer. Thank you, doctor. मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूंगी. अभी आपने कुछ मिथ की बात कही थी, तो ब्रेस्ट कैंसर में लॉट्स ऑफ मिथ्स आर देयर. ड्यूरिंग माय सिकनेस आल्सो आई हैव फेस्ड इट एंड स्टिल आई एम फेसिंग, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस स्टिल पीपल थ्रो ऑन मी. और वो तो ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे मैं ही डॉक्टर हूँ. मैं उनको कहती हूँ भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझसे मेडिकल के सवाल ना पूछो, मैं आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में बता सकती हूँ. तो आई वांटेड टू नो कि व्हाट्स द मिथ्स एंड व्हाट्स द मिस मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कि जिसमें जो लोगों को और कंफ्यूज कर देते हैं रादर देन कि उनकी चीजें क्लियर हो. Right. So, एक मिथ ऐसा है कि औरतों को लगता है कि कैंसर यानी इट इज अ डेथ सेंटेंस, इसके बाद में लाइफ तो है ही नहीं. लेकिन विभा जी हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद नॉर्मल लाइफ जिया जा सकता है, ठीक है. और एक मिथ जो है, औरतों को ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली में तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता है. तो उनको दे नो कि उनके ब्रेस्ट में गांठ है, ठीक है. उनको डाउट भी रहता है कि ये शायद कैंसर हो सकता है क्या, लेकिन अपने आप से वो कहते हैं कि मेरे फैमिली तो किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे होने का चांस है नहीं है. ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ 5-10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रन्स इन द फैमिली इज हेरिडिटरी, यानी 90% औरतों को, ऐसी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके फैमिली में किसी को भी कैंसर नहीं है, फिर भी ये हो सकता है. और एक मिथ एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर में कि अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मेरा ब्रेस्ट निकाला जाएगा और मेरे जो बॉडी इमेज है, माय फेमिनिटी और माय वुमनहुड विल बी लॉस्ट, तो मैं कैसे जी सकती हूँ अगर मैं इससे अच्छी भी हो जाऊं, एक ब्रेस्ट नहीं है, एक ब्रेस्ट नॉर्मल है, तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर वुमेन. सो लेट मी एश्योर यू फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है. बहुत एडवांस्ड सर्जरीज अभी अवेलेबल है. ब्रेस्ट कैंसर होने से पूरा ब्रेस्ट निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है. सिर्फ जो डिजीज्ड पार्ट है ब्रेस्ट का वो ही निकाला जा सकता है, और बाकी जो ब्रेस्ट नॉर्मल है उसको इंटैक्ट रख सकते हैं. इसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी बोलते हैं, और उसमें ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज, ये सारे अभी सर्जरीज, ऐसे टाइप के सर्जरीज हो सकते हैं, क्यों
क्योंकि सिर्फ कैंसर क्लियरेंस अभी गोल नहीं है, बट ऑल्सो गिविंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर कैंसर इज ऑल्सो द गोल ऑफ द मेडिकल टीम. तो वुमेनहुड लूज होना या एम्बेरसिंग सिचुएशन फेस करना, इस चीज से आप बिल्कुल डरना नहीं है. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जो है, इट इज अ वेरी वेरी क्योरेबल कैंसर. इससे क्योर होने का चांस है. ये क्योर होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्ली डिटेक्शन और सेकेंड इज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अर्ली डिटेक्शन यानी जब गांठ छोटा होता है, छोटे से छोटा साइज जब रहता है, तब ट्रीटमेंट का स्टार्ट हुआ, तो फिर पूरा क्योर होने का चांस ज्यादा रहता है. ठीक है, तो महिलाएं इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है, हमारे शरीर में जो बदलाव आ सकते हैं, उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है. और कब डॉक्टर के पास जाना है, कब मेडिकल हेल्प लेना है, इसका जानना हर औरत को बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू डॉक्टर जयंती, आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहे, क्योंकि मेरे पास भी जब भी किसी के ब्रेस्ट कैंसर के केस आते हैं और जब वो हमसे कंसल्ट करते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा क्या। और हम उन्हें यही बताते हैं कि सबके केस में नहीं होते हैं। जैसे मैं उनको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मेरा जो है वो कंजर्वेटिव सर्जरी हुई थी, मेरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया था। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका भी ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा या नहीं, लेकिन बेस्ट जो एडवाइस है वो आपको आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं, लेकिन ये मिथ टूटना बहुत जरूरी है। मैं उसके साथ एक चीज और जानना चाहूंगी कि डिटेक्शन होने के बाद तो जाना वो तो समझ में आता है, लेकिन डिटेक्ट होने की कंडीशन क्या हो सकती है? और सेल्फ चेकिंग जो है, हम ये कहते हैं कि सेल्फ चेक करना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़े, आप चूंकि आप डॉक्टर हैं, तो आप वो बहुत अच्छे से बता सकेंगे कि हाउ वी कैन गो फॉर सेल्फ चेकिंग ऑफ माई ब्रेस्ट। क्योंकि एक सो यही नहीं, हाँ मैं पहली बताना, एक चीज मैं और बताऊं कि हाँ बताना चाहूंगी कि हर विमेन के ब्रेस्ट साइज एंड शेप अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत बल्की होते हैं, किसी के कुछ अलग होते हैं, तो वैसे में कैसे उसको वो चेक करें कि ताकि उन्हें पता चले कि वहीं कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी है या। करेक्ट. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करने के पहले मैं थोड़ी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी. ठीक है, क्योंकि ये पहले जानना जरूरी है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने के समय क्या देखना चाहिए, ये समझने के लिए पहले साइंस एंड सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है. तो ब्रेस्ट में एंड पीयूष मिश्रा जी हैज आस्क्ड द सेम थिंग, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी हमारे ब्रेस्ट में क्या बदलाव हो सकता है जिससे हमें ये पता चले कि यस, मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है. टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी है. तो सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है इसमें. एक तो गांठ हो सकता है, ब्रेस्ट में गांठ हो सकता है, या अंडर आर्म रीजन में जो है वहां पे गांठ हो सकता है. और इसमें गांठ यानी एक लंप या स्वेलिंग और मास, और गांठ तो हर चीज हर लोग समझते हैं. तो गांठ जो है, इसमें एक चीज बहुत याद रखना जरूरी है, ये गांठ जब शुरू होता है उसमें दर्द नहीं रहना पॉसिबिलिटी है. इट कैन स्टार्ट एज अ पेनलेस लंप, एंड दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग टू लॉट ऑफ विमेन. उनको पता रहता है कि छाती में गांठ है, लेकिन अभी मुझे दर्द नहीं है, अभी मेरे डे टू डे एक्टिविटीज में कोई बाधा नहीं है, इसके लिए उन्हें लगता नहीं है कि अर्जेंसी है डॉक्टर के पास दिखाना. तो अगर आप गांठ नोटिस करते हैं ब्रेस्ट में या अंडर आर्म रीजन में, इसमें दर्द हो या ना हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है. नाउ सेकेंड सिम्टम इज स्किन चेंजेस. जो जो स्किन है ब्रेस्ट के ऊपर या अंडर आर्म में स्मूथ रहता है नॉर्मली स्किन, लेकिन इसमें कभी कभी बदलाव आ सकता है. यानी स्किन का पुल इन जैसा हो सकता है, जैसे खींचा हुआ हो अंदर की तरफ, वैसा चेंजेस आ सकते हैं. या स्किन में रंग
चेंज हो सकता है, रेडिश हो सकता है या थोड़े रैश जैसा हो सकता है, या स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो और उसमें बहुत सारा इचीनेस हो, खुजली हो, ऐसा भी हो सकता है. ये भी अर्ली साइंस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर. और थर्ड चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है निप्पल चेंजेस. नॉर्मली निप्पल जो है ब्रेस्ट में वो आउटसाइड पॉइंटिंग रहते हैं, वो बाहर की तरफ उसका पॉइंटिंग रहता है, लेकिन उसमें कभी कभी बदलाव आ सकता है. ये अंदर की तरफ अगर खींचा जाए, या फिर निप्पल के ऊपर थोड़ा घाव जैसा हो, या निप्पल में पानी जैसा कुछ निकलता हो, ऐसे ऐसे आप अगर सिम्टम्स आपको दिखाई पड़े तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है. अगर गांठ हो, स्किन के चेंजेस, स्किन में चेंजेस हो या निप्पल में चेंजेस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी कैंसर है. इनफैक्ट 80% ऑफ द टाइम्स ये कैंसर न होने का चांस ज्यादा है, लेकिन 20% ऑफ द टाइम्स वी डोंट वॉन्ट टू मिस कैंसर. दैट इज द रीजन वाई इफ यू फाइंड दीज चेंजेस, आप टाइम वेस्ट न करते हुए, पोस्टपोन न करते हुए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और अपना जांच जरूर कराइए. तो ये जो गांठ है, जो आपने क्वेश्चन पूछा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, तो ये जो गांठ है ये हमें कैसे पता चलेगा कि गांठ है, ये औरत को खुद क्या टेस्ट कर सकती है? तो हाँ, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो हर औरत अपना खुद ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकती है, ठीक है. ये बहुत सिंपल है और हर औरत जो 20 इयर्स से ज्यादा उम्र की हो वो महीने में एक बार जरूर खुद ब्रेस्ट एग्जामिन करें, ठीक है. ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद आपके घर में, आपके प्राइवेट स्पेस में ये एग्जामिन आप खुद कर सकती है और ये आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा. और इसमें टाइम जो लगता है 5 मिनट से भी कम लगता है, आपको महीने में सिर्फ 5 मिनट निकालना है खुद के लिए, ठीक है. और ये जो एग्जामिनेशन है कब करना है, जो महिलाएं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जिनके पीरियड्स नॉर्मल है, वो पीरियड्स के 7वें दिन ये एग्जामिन करें. लेकिन ऐसी महिलाएं भी है जिनका पीरियड्स इरेगुलर होता है, या कई महिलाओं को मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज यानी एज के वजह से पीरियड्स उनका स्टॉप हो जाता है, या ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका गर्भकोश सर्जरी करके निकाला गया है किसी और वजह से, जो ऐसे कि जिनको पीरियड्स नहीं होता है, तो ये महिलाएं भी महीने में एक पर्टिकुलर डेट में ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना जरूरी है. सिंपल स्टेप्स है, आप वो सीख सकते हैं. आप YouTube में जाइए और सिर्फ टाइप कीजिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बहुत सारे वीडियोस आप देख पाओगे और ये जरूर आप अपने ब्रेस्ट अपने आप पे यूज कीजिए और ब्रेस्ट खुद एग्जामिन कर लीजिए. अभी जब आप ब्रेस्ट एग्जामिन करते हो, अगर समझो आप कोई बदलाव आपको दिखाई पड़ता है, यानी गांठ हो या स्किन में चेंजेस हो या निप्पल में चेंजेस हो, अब बिल्कुल पैनिक न करें, लेकिन आप टाइम वेस्ट भी न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच कराना बहुत जरूरी है. डॉक्टर हेमा पाटिल माटी पूछ रही हैं कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द हेरिडिटरी पैनल ऑफ टेस्ट व्हिच अ वुमन विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर शुड अंडरगो. या ये तो क्वेश्चन मेरा भी होगा, बिकॉज आई हैव गॉन अंडर दिस ब्रेस्ट कैंसर, सो व्हाट वुड बी फॉर माय डॉटर्स. और सो यस, सो लाइक आई सेड, अबाउट 5-10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज हेरिडिटरी एंड इट रन्स इन द फैमिली, मीनिंग देयर इज वन फॉल्टी जीन. नाउ जीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी which secretes proteins, and functioning of a gene properly is very important. And if this gene gets altered, then cancer happens. And this altered gene can be hereditary at times, where one can inherit it either from father or from mother. तो अगर ऐसी महिलाएं हैं जिनकी family में ऐसे members को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या ओवेरियन कैंसर हुआ है
या पैनक्रियाटिक या प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, ऐसी महिलाओं को अभी हेरिडिटरी जेनेटिक टेस्ट जो है, हेरिडिटरी कैंसर पैनल टेस्ट कहते हैं उसको, ऐसी जांच करना अभी संभव है. दिस इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट विच इज डन. अर्लियर डेज दिस वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एंड इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. नाउ वी डू इट इन इंडिया. इट इज देर आर मैनी मैनी लैब्स इन इंडिया हु डू दीज टेस्ट एंड दे आर एक्सट्रीमली रिलायबल एंड ऑल्सो द कॉस्ट इज वेरी अफोर्डेबल टू विमेन नाउ. सो जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, उनको डरने की जरूरत नहीं है. वो टेस्ट ये जरूर कराइए, आपके डॉक्टर से मिलिए. ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है और आप खुद जो रिस्क है आपका उसका अंदाजा लगा सकते हैं. हम सब ने एंजेलिना जोली के बारे में सुना है, जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री था ब्रेस्ट कैंसर. उनकी मदर को, उनकी आंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो वो खुद जानना चाहती थी कि उनका रिस्क क्या है ब्रेस्ट कैंसर आगे चल के, उनके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने का संभव रिस्क क्या है. तो उन्होंने वो हेरिडिटरी कैंसर पैनल टेस्ट किया, जिससे उनको पता चला कि उनको 85% रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का. तो ये कैंसर होने के पहले ही उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, प्रिवेंटिव सर्जरीज किए हैं, यू नो, एंड टुडे शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. नाउ ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन इंडिया. वी रेगुलरली डू इट इन आवर डिपार्टमेंट. मैनी मैनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया डू दीज एंड दीज सर्विसेज आर अवेलेबल. सो ऑल द वुमेन हु हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नीड नॉट वरी एंड गो थ्रू अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग अ जेनेटिक पैनल टेस्ट. थैंक यू डॉक्टर. मैं आपसे दो सवाल और पूछना चाहूंगी. एक तो अभी यहाँ पे आशुतोष जी ने पूछा कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस मेल्स को भी हो सकते हैं. कैन ब्रेस्ट कैंसर हैपन इन मेल्स टू? और मुझे भी, मैंने भी जहां तक पढ़ा है तो हमने सुना है कि रेयर चांसेस हैं बट इट कैनॉट बी अवॉइडेड. ये नहीं कहा जा सकता कि मेल ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकते हैं. तो नंबर वन एक सवाल ये है. दूसरा सवाल ये है कि आपसे भी आपने जितनी बातें की और उसमें आपने रिलेट किया कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्रस एंड ओवरी एंड प्रोस्टेट कैंसर्स एंड एवरीथिंग, उसका भी रिलेशन है ब्रेस्ट कैंसर से. तो क्या जो एंडोमेट्रोसिस जिसने होता है, क्या उनका भी रिलेशन, उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दैट पेशेंट एंडोमेट्रोसिस पेशेंट, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी, संभावना है क्या? या वो एंडोमेट्रोसिस बिल्कुल डिफरेंट थिंग है और ब्रेस्ट कैंसर इज टोटली डिफरेंट? ये दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी. So endometriosis jo hai, it has no connection with breast cancer. It's a completely different thing. So I spoke only about ovary and breast cancer, pancreatic cancer, prostate cancer, and let me tell you about male breast cancer. Okay, ye bahut acha sawal pucha hai Ashutosh ji ne. Ha, males may be breast cancer ho sakta hai. Ek female mein ek well developed organ hai breast, lekin मेल्स में भी ये ऑर्गन होता है, बट इट इज नॉट अ वेल डेवलप्ड ऑर्गन, बट द ऑर्गन इज स्टिल देयर. सो द रेशियो इज लेस, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में ये ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता. ऐसा नहीं है, मेल्स में भी हो सकता है. अगर द रेशियो इज 1:100, इफ 100 वुमेन डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, 1 मेल डेवलप्स ब्रेस्ट कैंसर. बट इन मेन the detection is very easy because it's a very small organ. The detection is easy, but at the same time the spread also happens very fast, not like women. And the important thing is men do not have awareness at all. So if they find something, some lump or anything in the breast, they do not feel that it might be cancerous, and that causes all the problems. All right, and breast cancer in men is treated same as it is treated in women. But if a male develops breast cancer, we will certainly do the genetic test in such a person.
So if there is male breast cancer, then also surgery is important, surgery is must, or it again case to case, or let doctor decide what to be done. Yes, it is case to case, and the treatment is exactly as we treat women. The treatment is not any different. But of course, we will not do any conservation surgery or reconstruction surgery in them. Cancer clearance will be only done in those cases. Cancer Surgery, clearance. chemotherapy, radiation therapy remains the same. We were earlier just we were talking about some myths and some misconception. While I was talking to some कुछ लोगों का ये कहना, some people say, and even one person was asking me also कि अरे वो डॉक्टर के पास वो बायोप्सी करने जाते हैं तो हमने सुना है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है. What is it? No, that is a complete myth. There is no way to detect whether the lump is cancerous or not without a biopsy. Biopsy is a basic test. Biopsy does not cause spread of cancer. All right. So that is not true at all. Yeah, that's very, very valid question because I have gone through many times of this type of question. कि अरे हमने तो ये सुना है कैसे हो जाता है, तो वो तो बहुत डर गई हैं कि नहीं बायोप्सी नहीं कराने जाना है, उससे तो फैल जाएगा. तो मैं आपके मुंह से कि एक डॉक्टर के पास से वो आता है तो एक हम कह सकते हैं कि वो एक स्टैम्प्ड चीजें हैं, मैं कहूँ तो एक अलग चीज है, आप कहेंगे तो एक अलग चीज है. और बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको आप रूल आउट कर दिया. और दूसरी चीज, एक ये मान के लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो इसका मतलब कि केमो भी पड़ेगा, रेडिएशन भी होगा, सर्जरी भी होगी, मतलब ये तीनों स्टेज होंगे. तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या तीनों स्टेज होना जरूरी होता है, या केस टू केस इसमें कभी केमो इसेंशियल है या नहीं है, मस्ट है या नहीं है, या रेडिएशन मस्ट है या नहीं है, थोड़ा सा इस पर अगर आप हमें बताएं. सो ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ एक तरह का कैंसर नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा प्रकार है, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज है ब्रेस्ट कैंसर में. इसकी वजह से हर पेशेंट को एक ही तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है. पहले ये असेस किया जाता है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर है, उसका कौन सा टाइप है, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है. तो हर पेशेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर, वी एक्चुअली इंडिविजुअलाइज द ट्रीटमेंट. एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है औरतों को. ऐसा नहीं है कि हर औरत को सर्जरी, हर औरत को कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी की जरूरत हो. जो देर आर मेनी फैक्टर्स वी कंसिडर बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the type of breast cancer, the age of the patient, does she have other problems like diabetes, hypertension, any heart problems, and what is the age of the patient, and what is her social circumstance. All this is considered before we plan the treatment. So ऐसा नहीं है कि हर औरत को कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सारे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा नहीं. थैंक यू डॉक्टर. एक और चीज मैं इसी में इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी, और जो आम तौर पर हम जो वी विमेन वी ऑलवेज फील दैट कि ब्रेस्ट आर वेरी माई वेरी पर्सनल पार्ट ऑफ माई बॉडी, और इट शुडन्ट बी शोन एनी वेयर, ट्रीटमेंट शुड शोन टू एनी वन, और स्पेशली इफ डॉक्टर इज मेल. तो ये जो, और खास तौर से ये जो शाइनेस है, ये जो संकोच है महिलाओं में, और इवन दे डोंट डिस्क्लोज विद देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो, देयर हस्बैंड्स, देयर ब्रदर्स, फादर्स और ब्रदर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए. तो ऐसे में हम, आप ऐसे क्या हम करें, क्या हम लोगों से कहें कि भाई ब्रेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, और अगर हम कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं दिखाते, बिना मतलब के तो हम शोल्डर भी नहीं दिखाते, हाथ भी नहीं दिखाते, तो ब्रेस्ट भी बिना मतलब के नहीं दिखा सकते हैं, किसी को भी नहीं दिखाएंगे. तो ऐसे में इस शाइनेस से, और खास तौर से मेल मेंबर्स, जैसे आपने शुरू में कहा कि मेल शुड ऑल्सो अवेयर, आमतौर पर ये होता है कि जैसे ही ब्रेस्ट यूट्रस की बात आती है, मेल मेंबर्स के मुंह से ये निकलता है वो लेडीज लोगों का कुछ है, वो
तो ये लेडीज लोगों का जो कुछ है, इस चीज से कैसे निकाल करके मेल मेंबर्स को लेके आया जाए कि सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी वाइटल एड्रेसिंग, एंड इफ एनी फैमिली मेंबर ऑफ योर एनी एनी पर्सन ऑफ योर फैमिली मेंबर is diagnosed or is doubted with this cancer or with the such kind of findings, तो आप उसको कैसे address करेंगे patient को भी और situation को भी और doctor को भी. तो as a male perspective क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो right. महिलाओं को भी थोड़ी हिम्मत. I agree with you. सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. मैंने ये मेरे प्रैक्टिस में, मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि औरतें जो है अपने ब्रेस्ट के बारे में, अपने ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना बहुत बहुत शाई होते हैं, और ये डिस्कस करना नहीं चाहते, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं डिस्कस करते. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट जो है वो एक सिर्फ सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो बाकी के ऑर्गन के जैसा ही है, जैसे लिवर में हो या पैनक्रियास हो, यूट्रस हो, ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, वैसा ही एक ऑर्गन है ब्रेस्ट. तो उसके बारे में अगर हम बात करना ठीक नहीं समझते हैं तो इट्स अ वेरी बिग प्राइस टू पे, यू नो. सो प्लीज विमेन डू नॉट हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट. If you think there is any problem in the breast, if you have any doubt, आप बिल्कुल संकोच ना करें, आप बिल्कुल hesitate ना करें. आप कोई भी doubt हो तुरंत आप doctor के पास इसका जांच कराइए, male doctor हो या female doctor हो. ये एक ऐसा समझना चाहिए, एक ऐसा organ है body में जो जरूरी है और किसी को भी हो सकता है. तो इसके लिए जो मेल मेंबर्स है हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, उनका भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो अपने फैमिली में जो महिलाएं हैं उनको ज़रूर एनकरेज करें, ऐसा ब्रॉड ब्रॉड माइंड रखें कि इसके बारे में फीमेल्स शेयर कर सकती है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो शेयर कर सके. ऐसा स्पेस क्रिएट करना औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू डॉक्टर. या आशुतोष लिख रहे हैं, डॉक्टर जयंती, हाउ डू यू एड्रेस द इश्यू ऑफ सोशल टैबू इन आवर सोसाइटी? वुमन विल बी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट हर लंप टिल द टाइम शी कांट हाइड इट एनीमोर. आई एम श्योर यू गेट पेशेंट्स हु हैव सफर्ड ड्यू टू दिस. यस, इफ यू हैव गॉन थ्रू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड पेशेंट्स. यस, सो यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई स्पोक. Cancer is not because of any mistake one has done, all right? It is not, nobody needs to feel guilty or nobody needs to be blamed. It is by chance it has happened to a woman. It can happen to anybody, all right? And let us remove this social taboo. And unless more and more women come out and talk on the social media like this, this taboo will not go. And men role of a man in this is also extremely, extremely important. And I really appreciate all the men today who have logged in and are trying to understand so much about this disease so that they can help the women in their life. All right. थैंक यू डॉक्टर. वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, कि जब हम जाते हैं अपने ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए और अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो दो चीजें हमसे करवाई जाती हैं और थर्ड उसके बाद आता है, फर्स्ट मैमोग्राफी, देन मैमोसोनोग्राफी, देन उसके बाद बायोप्सी आता है. नाउ देयर इज, आई थिंक देयर इज सम एमआरआई इज आल्सो देयर. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कंफर्मेशन के लिए या सर्जरी के लिए, कि अब तक तो ये होता था कि बायोप्सी से मैमोग्राफी में कुछ लगा तो फिर मैमोसोनोग्राफी में गए, वहां एक तरीके से कंफर्म हो जाता है, फिर रीकंफर्म के लिए बायोप्सी में जाते हैं. तो क्या रीकंफर्म करने के लिए एमआरआई में जाना चाहिए? तो ये दिस विल बी फोर्थ स्टेज और सबको बायपास करके केवल एमआरआई कराएं तो चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. मैमोग्राम जो है वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है. मैमोग्राम एक तरीके का एक्सरे होता है, ब्रेस्ट का एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे किया जाता है. ये मैमोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये मैमोग्राम से वी स्टडी द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेस्ट. इसमें छोटे से छोटा एबनॉर्मेलिटी भी दिखाई दे सकता है, जो व्हेन वी फील द ब्रेस्ट वी मे नॉट इवन बी एबल टू फील द लंप. दैट स्मॉल एन एबनॉर्मेलिटी वी कैन पिक अप ऑन मैमोग्राम. बट मैमोग्राम के कई लिमिटेशंस है. यंगर पेशेंट्स जो है, 40 से जो यंगर पेशेंट्स है, उनके लिए मैमोग्राम बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है. मैमोग्राम इज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन फॉर लिटिल ओल्डर वीमेन हु आर 40 इयर्स एंड अबाउ, और इवन पोस्ट मेनोपॉजल. इन सच वीमेन मैमोग्राम इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन. बट फॉर यंगर वीमेन वी माइट समटाइम आस्क टू डू अ एमआरआई, बट इट डजेंट मीन दैट एमआरआई कैन रिप्लेस मैमोग्राम. ईच इन्वेस्टिगेशन हैज अ डिफरेंट रोल. मैमोग्राम हैज अ डिफरेंट रोल, सोनो मैमोग्राम हैज अ डिफरेंट रोल, एंड ब्रेस्ट एमआरआई हैज अ डिफरेंट रोल. सो वन इज नॉट टू रिप्लेस अनदर. And biopsy बट has इफ also अ वुमन different इज role. And यस, biopsy has बायोप्सी also हैज different. अनदर डिफरेंट, यस So बायोप्सी altogether, ऑल्सो हैज अ डिफरेंट रोल. if I just यस, सो wanted to ऑल come टुगेदर here फॉर कि इसका ये मतलब है कि बिफोर गोइंग सर्जरी इफ डॉक्टर एडवाइज अस और एडवाइज मी और एडवाइज अस इट मींस कि आई हैव टू गो ऑल फोर ट्रीटमेंट ऑल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड देन फाइनली सर्जरी इफ नो इफ नो इफ डॉक्टर नो नो सजेस्ट. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. मैमोग्राम और एमआरआई विल बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर. इट्स नॉट दैट एमआरआई इज डन फॉर ऑल पेशेंट्स. ओल्डर पेशेंट्स यस, मैमोग्राम एंड सोनो मैमोग्राम एंड बायोप्सी इज इनफ. इफ इट इज अ यंगर पेशेंट वी माइट डू अ ब्रेस्ट एमआरआई, सोनो मैमोग्राम एंड अ बायोप्सी. सो दैट विल बी प्लान्ड बाय योर डॉक्टर. बट मैमोग्राम इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर ओल्डर वुमेन. यंगर वुमेन वी माइट डू अ ब्रेस्ट एमआरआई. थैंक यू डॉक्टर जयंती, और आपने बहुत अच्छे और बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन दी. और मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जयंती थमसी, इन्हें अपने काम के लिए शी हैज बीन कन्फर्ड वुमेन अचीवर ऑफ कर्नाटका 2019 अवार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर जयंती फॉर दिस, एंड वी विश के इससे भी ज्यादा और इन नियर फ्यूचर आप और भी ज्यादा लॉरेल आप हासिल करें. और जो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है कि हम लोगों को, हम जैसे पेशेंट्स को और हम जैसे सर्वाइवर्स या अचीवर्स को जो आपके पास आए, उन्हें आप अचीवर्स बनाए, उन्हें आप सर्वाइवर बनाए, ताकि वो अपने बाद की, इसके बाद की जिंदगी वो और अच्छे से जी सके, समझ सके कि लाइफ की क्या वैल्यू है और किस तरीके से हमें आगे और बढ़ना है, और इस कैंसर को भी हमें सेलिब्रेट करना है. और इसके साथ मैं यहाँ पर ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, दैट इज इन एसोसिएशन विद डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एंड 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 मीन मनीषा फाउंडेशन सिलीगुड़ी एंड पुणे, इन दोनों के एसोसिएशन से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं साइंस वाइंस के प्लेटफॉर्म से. एंड चलते चलते मैं डॉक्टर जयंती धमसी के को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी, आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी. क्विकली अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया हो तो मैं अमित या उनसे कहूंगी कि अमित आप यहाँ स्क्रीन पर ले आए तो डॉक्टर जयंत उसे देख करके एड्रेस कर सकेंगी. और इस बीच मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अपने ही अनुभव से बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट को लेकर के जो मिथ है, और हाँ एक मिथ और भी है जो जिसको हमने एड्रेस नहीं किया, कि जब केमो होते हैं तो हमारे बाल चले जाते हैं, और बाल चले जाते हैं तो सारी महिलाओं को लगने लगता है कि हम अब बदसूरत हो गए, हम अब हम किसी भी काम के लायक नहीं रह गए. तो यहाँ आपका क्या कहना है, तो कैसे हम उनको हिम्मत बनाए बेसिकली ऐसे समय में? जी सो कीमोथेरेपी में बाल चले जाना एक प्रॉब्लम है जो महिलाओं को बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट हो जाता है. लेकिन ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि जो भी साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी के, आजकल तो ड्रग्स इतने अच्छे हैं कि साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, लेकिन जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से वो टेम्पररी है. जब तक कीमोथेरेपी दिया जाता है तब तक ही इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं,
और कीमोथेरेपी बंद होने के बाद फिर नॉर्मल लाइफ आ जाता है, बाल भी बढ़ जाते हैं और सुंदर बढ़ते हैं बाल। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मुझसे शेयर करते हैं कि पहले से ज़्यादा अभी बाल अच्छे बढ़ गए हैं और अलग हेयर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। तो लुक एट इट पॉजिटिवली, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि बाल चले जा रहे या हमारी ब्यूटी जो है वो सिर्फ बाल में या स्किन में या ब्रेस्ट में, ओवरीज में, नेल्स में सीमित नहीं है। It is the person who is more important, and that person should have a normal life, a long life, and good quality of life. That is important. And to treat breast cancer, chemotherapy is one of the very, very important modalities of treatment. Unfortunately, please do not focus on one of the side effects, that is hair loss. Hair will come back. Till then, yeah. You can wear beautiful scarves. Yes. You can wear wig. Options available which you can now use. Yes, doctor. Thank you so much. I 100% agree with you. Okay, hair can come back. Our lost health can come back. But if I will play with my life, so life will not come back. And if life will not come back, then nothing will come back. If I am not there, so nothing. ये दुनिया मिल भी जाए, अगर तो क्या है वाली बात होती है। मैं आपकी मैं यहाँ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी, और स्पेशली डॉक्टर जयंती थमसी का भी, क्योंकि वो इतने बिजी शेड्यूल से यहाँ समय निकाल करके आई हैं, और ये साइंस वाइंस के प्लेटफॉर्म पर, और जो इन एसोसिएशन विथ डी वाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुली पुणे में, और मनीषा नंदी फाउंडेशन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, इन दोनों के एसोसिएशन से और साइंस वाइंस के प्लेटफॉर्म से हम आज ये ब्रेस्ट कैंसर चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखिए ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक, हम इस प्रोग्राम को यहाँ लेकर के आपके सामने आए। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सी इसके बारे में जानकारी मिली होगी, और चलते चलते मैं इसको बस चार लाइन की एक कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हो या हो वह गंजा, जिंदगी से बढ़कर यौवन में गुदास और खूबसूरत और कुछ नहीं। आओ मनाएं जश्न जीवन का, आओ मनाएं जश्न जिंदगी का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आभार, और थैंक यू सो मच डॉक्टर जयंती थामसी। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।